ओए आदमी, ओ भाई भाई, कम भाई, ओ दे, ओ दे, अजय भाई, ओ दे, आदमी उसी पैर प्यार उस दिन भी थी, जिसे यहीं पे पुलिया बन रही है, लेकिन इस समय मैंने नहीं देना चाहती भाई। तो कौन है? पुलिया किधर से चली गई भाई? अभी तो हम लोग पेड़ के पास अभी से कुछ सोचा नहीं था, फिर भाई थे उसके बाद सीधा पेड़ पे है। गजब यार, अरे यार अमित भाई, ओए भाई, ये तो आप लोग देख सकते हो, देखो जैसे अमित भाई इसका कोई ना कोई रास्ता है पेड़ से। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अमित आ चुके हैं इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग पिछली बार आए थे तो सुनने में मिला था कि रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है। और क्योंकि बात में भाई वो नहीं है, वो नहीं क्योंकि थी बात। फिर हमने भी इस ये वीडियो बनाया तो लोगों ने बताया, क्योंकि लोगों ने अलग अलग जगह से मैसेज किया, आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि भैया जो आपने यहाँ पे स्टोरी बताई है वो स्टोरी नहीं है, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी गई थी, क्योंकि कोई विवाद था, किसी लड़के वाला मतलब विवाद था, और ये लड़की किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी थी, इसीलिए उसको यहाँ से यहीं पे लाया गया था और उसको जान से मार दिया गया था। फिर बाद में बताया गया था कि कोई रोड एक्सीडेंट में इसकी जान गई है, और जो भी सच्चाई थी उस सच्चाई को छुपा दिया गया था। अब मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, जो भी कुछ होगा हम देखेंगे, क्योंकि जो भी सच्चाई अमित भाई हम लोग वही बताएंगे, ठीक है। जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, इसीलिए वो यहाँ पे सबको भैया जान से मारती है, और यहाँ पे किसी को रुकने नहीं देना चाहती है, ना तो कोई यहाँ पे आए, उसको कोई पसंद भी नहीं है कि यहाँ पे कोई आए, इसीलिए यहाँ पे जो काम हो रहा था काम होना भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिया है वो पहले थी उसको भी तोड़ के नहीं बनाया जा रहा था, वो भी काम बंद है। आज के टाइम पे यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, और अब हम लोगों को उस दिन पता चला था कौन है वहाँ पे, ऐसी ऐसी चीज कोई है भाई, क्या ऐसा लग रहा था भाई कुछ हम। तो आज हम लोग फिर से आए सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट में जय श्री राम जरूर आप लोगों को लिखना है, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है आप लोगों को। अमित भाई बता दीजिए, जो जो तुमको बताया है गाँव वालों ने, तुम तो गाँव में भी गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों कई लोग कई तरह की स्टोरी बताते हैं, मगर ज़्यादातर यही स्टोरी सुनने को मिलते हैं, जो लड़की यहाँ से निकल रही थी रियल में उसका एक्सीडेंट ही हुआ था, मगर जानबूझ के एक्सीडेंट कराया गया था उसका। वो बोलते हैं किसी मतलब लड़के से बात करती थी, मगर कुछ समय बाद दूसरे लड़के से वो बात करने लगी, जो कि पड़ोस के गाँव का लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, और बोलते थे साथ में दोनों आते जाते थे। तो ये बात उस लड़के को बुरी लगी जो गाँव में रहता था, उसने उस लड़की को यहाँ पे एक पुलिया है, अभी तो टूट गई वो जगह पे, मगर पिछली बार बनी हुई थी, बोलते हैं उसी जगह पे उसका बाइक से एक्सीडेंट करा दिया था, मतलब मार दिया था अपने हाथों से। रियलिटी क्या थी यार, यही सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि उसका एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया था, बाकी कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो चले चले भाई, तो दोस्तों लड़की बढ़ते हैं आगे की ओर, 16-17 साल की रही थी हम लोगों के साथ, तो आप लोगों को बस सपोर्ट करना है और साथ देना है, वीडियो को छोड़ना नहीं, वीडियो को लाइक कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है हम लोगों के साथ, क्योंकि उस दिन भी आए तो बहुत यार बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मजबूरन हम लोगों को जाना पड़ा था, क्योंकि ज़्यादा देर अगर रुकते तो भैया कोई ना कोई तो खतरा हो सकता था, जान भी जा सकती थी, इसीलिए आज हम फिर से आए हैं। बस आप लोगों की डिमांड पर आप लोग मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि भाई आओ यहाँ पे पार्ट टू लेके आओ और कन्फर्म करो आखिर वो क्या जाती है। तो अमित भाई चलते हैं फिर, पीछा लगा अजीत भाई, पीछा लगा, वो क्या है यार, अमित भाई क्या हुआ, अमित भाई के पास कोई था यार, कुछ लगा था तो कुछ, अजीत क्या हुआ था, अजीत चलने की आवाज आई थी पर ऐसा लगा था कोई रोड क्रॉस किया है। कौन है यहाँ पे, चल जो भी अमित भाई कुछ है यहाँ पे, मैं नहीं लगता कि ये कोई जानवर ही हो सकता ना, जो पीछे मतलब अचानक से गया था भाई,
जानवर होता तो कहीं ना कहीं दिखता। नहीं नहीं पीछे बाइक के पास यार कोई जानवर ही था, मतलब छोटा ही सा, वो तो ठीक है। उतने टाइम हम यहाँ पे आए थे ना, तो ये पत्थर चलने में बजते हैं ना उखड़े हुए, तो ऐसा लग रहा था कि पत्थर बज रहे हैं, ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, तो फिर कोई होगा। फिर इधर के बारे में तो कुछ किस तरीके से आवाज आ रही थी, ये क्या है भाई, ये नाखून भाई, देखिए पंजे, ये जानवर है ना, वही जानवर होगा। चल छोड़ जानवर का या फिर कुछ और, ये जानवर क्या है भाई। अजीत भाई, क्योंकि दोस्तों उस दिन इस पेड़, आज भी आज भी उसी पेड़ पे यार, उस दिन भी थी आज भी है। ये हम लोग नीचे नीचे देखते जा रहे थे यार, अचानक से ऊपर, ये देखो दोस्तों ये आज भी यार उसी पेड़ पे भाई। ओए अजीत भाई, ओए यार पूरा पेड़ हिला रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि पेड़ पे बिल्कुल, ये देखो उसका भाई चेहरे पे जूम कर भाई, चेहरे पे अजीत भाई, अजीत भाई चेहरे पे जूम कर यार, है कौन है, कौन है ये भाई, शायद ये लड़की ही है दोस्तों, कंफर्म हो गया ये वो लड़की की ही आत्मा है, और उस दिन भी इसी पेड़ पे। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, किसने जान ली थी तुम्हारी, क्या बताना चाहेंगी आप हम लोगों से कुछ। अमित भाई ये भाई, भाई ले, ओ भाई भाई भाई, दिमाग खराब हो गया अमित भाई यार, खतरा बहुत है अमित भाई, बहुत भाई, अगर अभी वहां से भागते नहीं तो पक्का करती ऊपर से कूदने वाली थी यार। आत्माओं का क्या भरोसा यार, कितने टाइम अटैक कर दे वो मार दे। अमित भाई चलना सही नहीं है वहां पे, क्यों ना अजीत भाई, करना पड़ेगा ना भाई, एक मिनट भाई, कोई नहीं है यार पेड़ पे भाई, भाई दिखा है कोई पेड़ पे, दिख रहा है पेड़ पे नहीं है मगर, देख कोई नहीं यार, हाँ यार कोई है अमित भाई, क्या कोई सामने आ सकता है, मौजूद है यहाँ पे कोई, अरे अभी शायद उस पुलिया, ओए ये पत्थर आया भाई उधर से पुलिया की तो तरफ से पत्थर आया भाई, पहले भी एक बार आया था ना ये देखो, हमें लगा कि शायद, चल चल पहले पुलिया पे चल। दोस्तों उस दिन भी हम लोग जा रहे थे तो वो चीज़ पेड़ पे दिखी थी, और ये चीज लोगों ने भी नोटिस किया है, अक्सर इस पेड़ पे या उस पुलिया पे बैठी हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब इस पेड़ पे ही क्यों अमित भाई बैठी दिखाई देते, इस पेड़ के पीछे कोई राज है यार जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रही है अमित भाई। वैसे पेड़ पे चढ़ने में तो आसान है, लेकिन दोस्तों यार ऐसा कौन होगा यार जो पेड़ पे चढ़ेगा, और कौन अपने घर से, नहीं एक चीज रात में क्या बात, ऊपर की तरफ देख, अरे अंकित भाई वो देख, वही है यार अमित भाई वही है, रुक रुक ये देखो दोस्तों ट्रेन भी आ चुकी है, और पास ही में हाईवे है आप लोग देख सकते हो ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे हम लोगों की कोई हेल्प करने वाला नहीं। अभी तो अरे अजीत भाई इधर लगा यार, चल छोड़ यार ट्रेन का चक्कर, भाग मत भाग मत, अजीत साथ में साथ में रिकॉर्ड कर, साथ में रहेंगे तभी काम होगा, तो जान जाएगी, क्रॉस करेंगे अंकित भाई फिर से,
हाँ क्रॉस करेंगे, लेकिन हम लोग सब लोग सामना करेंगे, ठीक है, तीनों लोग। अगर इधर उधर भागोगे, ठीक है, तो पक्का किसी ना किसी की जान चली गई। जितनी बार इधर से उधर निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोगों को साथ सपोर्ट करना होगा। दोस्तों प्लीज़ आप लोग कहीं पे भी मत जाना, वो चीज़ दिख चुकी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। अंकित भाई अच्छा क्या 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 भाई, तू तो कैम भाग क्यों जाता है यार? पहले जो भी कुछ होगा हमें होगा ना, तू आराम से जब हम लोग भागे तब भागना, ठीक है, ऐसे मत भाग पीछे से। इधर को ही गई है भाई, लगा यार इधर, कोई नहीं है यार। अमित भाई गई थी इधर, लगा यार इधर लगा। ये देखिए यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था अंकित भाई, इसी जगह हुआ था, मगर इसी जगह पे बताया गया। ओए ओ भाई, कोई मछली है क्या? नहीं यार, मछली हो भी सकती है। बैलेट बढ़ा लेना फोन से। ये देखो दोस्तों यहीं पे पुलिया बन रही है, लेकिन इस समय नहीं देना चाहती भाई। कौन है, क्या सामने आ सकती हो? अमित भाई क्यों कोशिश कर रही हो डराने की? अमित भाई कोई दोस्त तो नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, लेकिन पानी में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी मछली है जो छलांग इसमें लगा रही है, ठीक है, जिस तरीके से पानी उठ रहा है बार बार। अजीत भाई इधर एक बार दिखा देते चल के हैं, क्योंकि इसी तरफ वो गई थी, लोगों का वहम होगा कि इस मिट्टी के पीछे वो चीज होगी। तो एक बार आप पहले दिखा देते हैं कि मिट्टी के पीछे है। अमित भाई हाँ भाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार, तो अजीत इधर आ इधर, कुछ नहीं है अंकित भाई इधर भी। ओए भाई पेड़ पे वो ये किधर से चली गई भाई? अभी तो हम लोग पेड़ के बगल से आए, अभी से दोस्तों से नहीं था वहां पे भाई थे, उसके बाद सीधा पेड़ पे है। ये देख यार, ऐसा तो नहीं पेड़ पे हो मगर दिखना रही नहीं रही हो। ये देखो है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो यार कितना ज्यादा खतरा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। ये देखो पेड़ पे फिर से, क्या चाहते हो तुम बताओ? हमें भाई इस पेड़ से इसका कोई ना कोई जरूर वास्ता है इससे कोई, और ये बार बार पेड़ पे ही क्यों जा रही है भाई? चल आखिर क्या बताना चाहती हो, बता दो क्या है पेड़ में। हमें भाई आराम से चलना, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं, क्या वही कोई नहीं है यार। अमित भाई क्या हो, अभी पेड़ पे हो आप? कोई नहीं यार है, क्या सामने आ सकती हो आप? अमित भाई पिछली बार हम लोग यहीं से निकले थे ना, पेड़ पे दिखे नहीं थे, मगर तुरंत ही जैसे कैमरा घुमाया चीज पेड़ पे ही थी। वही आवाज अमित भाई, ये कौन है, कहाँ पे है? देखिए जहाँ भी हो सामने आ जाओ प्लीज। वो देख पीछे उठे, वो देख उठे गजब यार। अरे यार अमित भाई वो देख, ये बाल देख यार कितना, वो ये खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक है ये चीज, कितना ज्यादा खतरनाक है यार वो यार। दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्क है आप लोगों के लिए, इतना ज्यादा रिस्क लेके यहाँ पे रुके हुए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग कहीं पे भी क्या चाहते हैं कुछ फटाफट आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया हो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो। अगर क्या इच्छा है तुम्हारी यहाँ पे, चल कैसे रही अमित भाई, चल कैसे रही, पीछे जा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, देखो कैसे अमित भाई इसका कोई ना कोई वास्ता है पेड़ से, और जो भी कोई राज है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसके पीछे क्या है रीजन और यहाँ पे क्यों। वही हो ये हो भी सकता है यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्या किया जाए, चलना निकलना पड़ेगा। वो ये देखो पेड़ के पीछे दिख रही है बिल्कुल साफ साफ, रिकॉर्ड भी हो रही। ये देखो क्या चाहते हो बताओ, क्यों यहाँ अमित भाई, देखो कुछ है क्या, कोई ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा राज यहाँ पे है? नहीं यार ऐसे नहीं पता चल पाएगा, हो सकता कुछ इसके नीचे दबा हो मिट्टी के नीचे, मगर उसके लिए फावड़ा वगैरह कुछ लाना पड़ेगा, जो काम सिर्फ दिन में हो सकता है। तो ऊपर आ जाओ, पहले ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, वैसे ऊपर आ जाओ भाई,
पेड़ के पास आते ही वो आवाज़ आने लगी है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या हो अभी आप पेड़ पे हो क्या? पेड़ पे नहीं है भाई, होती तो दिखती ना। नहीं यार, कभी कभी होता कि वो चीज़ें हवा होती ना, कभी कभी नहीं दिखती आंखों के सामने होते हुए भी। तो उम्मीद भाई इधर भी कोई नहीं है, पीछे आ जाओ एक बार, पीछे आ जाओ पीछे। मैंने बोला था कुछ मेरी राय मानो ना अजीत भाई, तो यहाँ से थोड़ा पीछे हो लो भी। अंकित भाई बोला था ना मैंने पेड़ पे, ये कहाँ से है यार? मैंने बोला था ना पेड़ पे होगी, कैमरे में दिख नहीं रही बस। तो ये देखो पेड़ पे ही थी यार, ये देखो अमित भाई सही बता रहे थे यार आप। ये आत्मा है, कहीं भी छुप सकती है, कैमरे में नजर नहीं आ सकती, आंखों से दिखेगी। क्या चाहते हो तुम? कभी कभी ऐसा होता कि कैमरे में दिखेगी और आंखों में इससे नहीं दिखेगी। दोस्तों जूम करके दिखा रहा हूँ, इतना ज्यादा जूम कर दिया। आखिर क्या राज है पेड़ में? आखिर क्यों बार बार पेड़ पे नहीं दिख पा रहा जाते हो? और अब इससे कुछ बताना चाहेंगे हमसे? ब्लर होने देखिए, हम आप लोगों के आपसे के लिए कुछ कर पाए से आप हमको कुछ शेयर कीजिए। अमित भाई पीछे आ जाओ यार, जो भी कोई राज है ऐसा नहीं यार, हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमको गांव वालों का भी साथ लेना होगा, और ये जिस गांव से है उनके गांव वाले या उनके घर वालों का भी साथ सपोर्ट लेना होगा, तभी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, वरना इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। अंकित भाई निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रुक तो अभी, ये देखो नीचे आ रही है, बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऐसा ना हो कि हमला कर दे यार। इसीलिए तो ना अमित भाई, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानवर हो या इंसान ज़्यादा परेशान करने से भड़कता है, ये तो आत्मा है। तुम लोग एक साथ रहो, दोनों लोग एक साथ रहो, जिधर भी रहो साथ ही में रहो, तो जो भी कुछ होता है सब साथ में रहोगे तो शायद ये। ओ वही पीछे भाग, पीछे भाग, वही भाग पीछे 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 जाओ। देख और ये आग भाई, भाई। स्पीड में रही है भाई, ये देखो चल भी कैसे रही है, आग इतनी तेज रही है ये भाई, भाई। जूम करते हैं दोस्तों, ये अमित भाई